पलवल में आगामी 2 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपनी बैठक का आयोजन किया। पलवल के बाल भवन में आयोजित इस नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रदेश उप प्रधान जयपाल हंस ने शिरकत की। बैठक के दौरान आगामी समय में होने वाली देशव्यापी हड़ताल पर चर्चा की गई। जयपाल हंस ने कहा कि सरकार की नीतियां कर्मचारियों के खिलाफ है। कच्चे कर्मचारियों को ठेके पर भर्ती किया गया है, जिनका शोषण हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, ठेकेदारी में भर्ती प्रक्रिया को खत्म करें, पक्की भर्ती करें। सरकार जहां पद खाली है उन्हें पक्की भर्ती करके पूरा करे। यदि हड़ताल के बाद भी सरकार हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो प्रदेश स्तर पर बैठक का आयोजन कर फैसला लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल हंस है जी, और नगर पाल कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का उपप्रधान। तो क्या कारण है जो आपने मीटिंग लिया है? कारण ये है कि 2 सितंबर की हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल आ रही है। पूरे हरियाणा के अंदर नगर पाल का कर्मचारी संघ हरियाणा की जो टीम है वो टीम बना करके सभी जगह पर दौरा कर रही है, और हम भी फरीदाबाद से चलकर यहाँ पर आए हैं पलवल नगर परिषद में। होटल जाएंगे, हतीन जाएंगे और आगे भी जाएंगे, और हम लोग अपने कर्मचारियों को संबोधित करके यही बात कह रहे हैं कि 2 जो सितंबर की हड़ताल है पूर्ण रूप से वो कामयाब होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या मुद्दे उठाओगे? मुख्य रूप से जो हमारे मुद्दे हैं जी वो ये है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं खासकर कर्मचारी मजदूरों के खिलाफ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी हैं जो हमारे ठेके पर भर्ती करती है सरकार, ठेके में हमारे कर्मचारियों का भारी शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, और ना तो उनका ESI का कोई हिसाब किताब है और ना ही उनका EPF का है। करोड़ों रुपये ठेकेदार लेकर भाग जाता है। हमारी ये मांग है, मांग पत्र में, कि भी ये ठेकेदारी समाप्त हो और ठेके में लगे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इन मांगों को लेकर हम ये जो हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा जो पक्की भर्ती करे सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हुए पूरे हरियाणा के अंदर, उन पदों को सरकार पक्की भर्ती के द्वारा भरे, और ये ठेकेदारी में जो भर्ती कर रही है सरकार इसको बंद करे।